बंदा हो चुका है, लगा ले कितनी बड़ी आज जाएगा तो फिर कब वापस आएगा मछली पकड़ के? महीने बाद ऐसी चाली आपने कभी देखी? फिशरी जाने से पहले खुशबू का बंदोबस्त होना बहुत जरूरी है। दरिया नीलम साफ सुथरा तरीन दरिया, या तो फुल कोको कोला पानी। देखा हरियाली कितनी है यहाँ पे, कौन कहता है कराची में हरियाली नहीं है? कौन कहता है प्यारी आ रही है? तुम्हारे दरिया में तो खुशबू आती है, हमारे दरिया में तो खुशबू भी आती है। ये बताओ नाना, सबको दुनिया को पता लगे आपको मछली नहीं मिलेगी, मछली सामने पड़ी हुई होगी, लेकिन क्या जब तक उनका टाइम शुरू नहीं होगा मछली देने का, जब तक कि आपने कोई डीलिंग नहीं करेगी, मछली पड़ी हुई होगी वहाँ पर, लेकिन मछली आपको देंगे नहीं। झींगे का टाइम है 6 के बाद और मछली का टाइम है 8 या 9 के राउंड अबाउट। इसी तरह लास्ट टाइम तुमने बाल कब बनाए थे मुझे ये बता दो। बताना कितने दिन पहले बाल बनाए थे? नहीं बनाए 2 दिन पहले। ना मछली की स्मेल आना शुरू हो गई है, दूर है लेकिन अभी भी देखो स्मेल आ रही है, बहुत तेज स्मेल आ रही है। घर जाके तो बाकी कपड़े थे, तभी मैंने सुबह कपड़े ही नहीं बदले, मैंने लग गंदे हो जाए। नहाया भी नहीं इसीलिए मैं। मैंने और खुर्रम मामू आए थे ना यहाँ पे, तो हम लोग ने यहाँ पे चाय भी पी थी। उस बंदे ने हमें खुद पिलाई थी, कहता हम आपको चाय भी पिलाएंगे, यकीन मानो आखिर तक तो हमारा दिल नहीं माना पहले, फिर वो लिया आया, फिर हमने बोला यार पी लो अल्लाह मालिक चाय। सीधे हाथ में हमें गाड़ी लगाए, सीधे हाथ में लगेगी गाड़ी। ये देखें आप रोड कितना प्यारा है, यहाँ से चल के जाने में इतना मजा आता है। पहुंचे मैंने पहले तो अभी अपने ऊपर कर लिया। ओए होए होए, एक दफा जो खुशबू आपके अंदर समा गई। यहाँ पे देख सुबह सुबह आओगे ना, देख बात है कितनी प्यारी मछली, सुबह सुबह आओगे सिर्फ यहाँ पे एक बंदा मिलेगा आपको लेने के लिए झींगा, बस और कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरी मार्केट में आपको कोई झींगा वाला नहीं होगा। अब एक बंदे से क्या बात होगी, कोई बात नहीं होगी, शाम का टाइम बेस्ट है, रेट होगा और वही रेट होगा, उससे कोई उल्टा सीधा रेट ही नहीं। 4 किलो था पहले भी, हम लोग ने 20-25 किलो लिया था, एक रुपया भी नहीं कर। अच्छा शाम में ऐसा होता है कि मछली आती है, अब रात का 6 बजे के बाद आया झींगा, वो जो यहाँ के सेलर है वो परचेस कर लेंगे, ठीक है। अब आएगा 8 बजे के बाद मछली रांच से उतरी, इसके बाद उन्होंने परचेस कर ली, अब वो सुबह वो ही परचेस की हुई चीज को सुबह बेचेंगे। सही सही, समझे? सही अभी तू देखियो, देखो सीन देखे समझ में आएगा। एक सीन क्या है यहाँ पे, जब अंदर तो होलसेल में सेल हो जाएगी ना, और जैसे वो 1 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटे में सारी मछली बिक जाती है, 1 घंटे के बाद तेको वही मछली बाहर मिलेगी उसके ज्यादा रेट में। अगर तूने अंदर ले ली सही ले सका तो फिर बाहर से ले, जो मछली बच गई ना वो मछली पैक होके अगले दिन पे आएगी, और बकाया जो होगी ना जो ली हुई जाने के तो सेल वाले वो बाहर रख के आपको भेज के दिखाएंगे, वही रेट हाई फाई में देंगे। तो अभी हम लोग मेन मार्केट में आ गए और यहाँ पे इतना कोई खास अभी मुझे फिश झींगा शींगा कोई स्टॉक खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक लॉन्च आई नहीं है, टाइम नहीं हुआ है। तो जो जो चीज़ें अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, 550 कुंद, और ये वाला कौन सा? ये काला कुंद है, ये अनमोल है, सारम है। ये क्या चीज़ है यार, क्या क्या लोग खाते हैं वैसे, चेक कर। हेलो, जिंदा तो नहीं है भाई, क्या चीज़ है भाई, हेलो हेलो, कनर्चा वो रेड स्नैपर है, 570 हीरा, ये हीरा है ना, ये सब वो भी रेड स्नैपर, वो भी हीरा है ना, वाइट कुंद, इतनी जबरदस्त लग रही है ना, जबरदस्त ये अच्छी लग रही है, 550-450। अरे 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 भाई आराम से यार, क्या करा भाई, अभी मैं जिन भाई के पास आपको लेके जा रहा हूँ उनकी लॉजिक सुनिएगा सिर्फ। खराब होगा ना, नहीं इसमें भाई चाहिए, ये ताजा है, पानी पिया नहीं है, पानी पिएगा ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। लॉबस्टर, इसका झींगा अच्छा लग रहा है।
कितना पीए देख, ये देख लेता क्या इससे भी ज्यादा होता था पहले, इससे भी ज्यादा वाइट होता है, ये भी येलो लग रहा है, इससे भी ज्यादा होता है वो ऐसा होता है, वो तकरीबन ऐसा माल होता है, ये माल होता है, नजर तो नहीं आ रहा, इससे भी ज्यादा सफेद होता है, अच्छा माल होता है, वो ऑक्टोपस जा रहा था। हम लोग अभी मार्केट के बैक साइड पे आ गए, यहाँ पे सारी शिप्स खड़ी होती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, खाली जा रहा ये क्या है, मरी हुई मछली है, बदबू कितनी गंदी, बहुत गंदी बदबू। अजय अजय देखने के लिए पानी के अंदर आ गए भाई, इससे बड़े मुश्किल। आप जाते हो उधर मछली पकड़ने, शिकार करने? इसका हैंडल किधर है? स्टोरेज फ्री वॉशरूम देखें, हाँ हाँ ये जो सही जगह लाया ना, और डुबकी ना मार ली इसके अंदर, डुबकी लगी तो ना बड़ा मजा आएगा, पानी मुंह में जाएगा, जाएगा। तो बाहर भी नहीं आएगा फिर, बाहर तो आ ही जाएंगे, बाहर का मतलब नहीं, बाहर तो आ ही जाएंगे यार, कितनी सारी शिप्स है यार, तो देख कैसे तमीज से पार्किंग की इन्होंने, हमारी गाड़ी नहीं सही पार्क होती, सस्ते इनको जैसी निकालना होगा, ये आराम से एक बार निकाल के जा सकता जब दिल चाहे, बाकी सही बात है, क्या व्यू है यार। ठीक हो पखैर, मजे में? अस्सलाम वालेकुम सर जी, ठीक है, खैरियत? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाए आप ठीक है? जबरदस्त। आप लोग जाते हैं मछली वछली पकड़ने सारा? तो अभी एक अगर आज जाएगा तो फिर कब वापस आएगा मछली पकड़ के? महीना भी लग जाते हैं, महीने बाद? अभी हम 50 दिन के बाद आए। ओए होए 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 होए, 50 दिन के बाद आए, पार्सल भेजते रहते हैं, दूसरे हाँ। कोई आती है उनके साथ भेजते हैं, हम लोग अभी पूरे 50 दिन लगा है, कल होगा 51 ओए होए होए, तो फिर 51 दिन का खाना साना सारा सब साथ लेके जाते अभी 2 लाख का खाली राशन ले जाते। ओए होए 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 होए, मैं तो समझा कि आज जाएगा तो कल शायद वापस आ जाएगा, वो भी लाते जाते हैं, ऐसे भी आए वो बाबा बेटे से, हाँ। वो आज गई कल आई, अच्छा रात को 3 बजे बजे निकलेगी, शाम को इस टाइम में आएगी, ठीक है, अच्छा ऐसी भी आए 5-6 दिन में भी आती है, अच्छा लेकिन यार 51 दिन तो यार सुन के एक दफा, हम लोग 2-2 महीना लगा थे, ईरान की तरफ जाते तो फिर 3-3 महीना लग जाते, ईरान की तरफ हाँ से भी आ गई, ये एक और शिप आ रहा है। आप कैसे दरिया वाले हो या लाचवाले? नहीं नहीं हम कहीं भी नहीं, हम मेहमान हैं आपके, हम इस्लामाबाद से आए, आपका ये सारा मछली वछली देखने इधर सारा बताया था फिशरी देखने का, तो हम इस्लामाबाद से, हमने देखें क्या माहौल है इधर, क्योंकि उधर हमारी तरफ तो पहाड़ है ना, हमारी तरफ पानी नहीं है, हमें पहाड़ हमसे लगे हिला दिया इसने, इसने तो टक्कर मारी, हिला दिया पूरी टक्कर, तो ये नुकसान नहीं होता इधर टक्कर मारते तो? लाज का नुकसान होता है, टूट गया पूरी तो इधर कोई नहीं है, फिर से आ रहे थे पूरी गाड़ी, लेकिन मजेदार कट हो गया ऐसे लगी फिर यार, इतनी बड़ी इसने, इतना बड़ा इसने यहाँ से मोड़ा कैसे है? मैं तो इस बात पे रहा हूँ, इसने मोड़ा कितना मजे से, जबरदस्त। अभी इसका थोड़ा ही एक नुकता है, वो अगर निकल जावे तो उधर कोई बचाने ना, नहीं बचा सकता, समंदर के बीच में तो कभी नहीं बचा सकते, अभी है वो रिकम लगा हुआ है, फिर तो आवे, जब तो लोग आवे तब तो लोग आ नहीं, बाकी तब तक तो पता नहीं क्या सीन हुए, लाइन तो डूब गए, अच्छा बच गए, अभी रोजगार ऐसा सही तराकी शराकी सही मायर है, चलो ठीक है लाला मेहरबानी, नहीं नहीं बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी चाचा, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। नमाज पढ़े हैं, माजरत माजरत, अभी हम वापस जा रहे हैं फिशरी के अंदर, हैंडल वाह रॉयल हैंडल यार
मोड़ने के हैंडल है बड़े मजे के, इससे बड़ा हमारा गाड़ी, अबे इससे बड़ा गाड़ी खोते, इतनी बड़ी शिप कैसे मुड़ता है। वाह सेल्फी ले रहा है, क्या बात है क्या बात है, हम तो यार हमारा पेशेंट है। इन सबको सी ऑफ करने के बाद टाइम हो चुका था शिप्स के आने का। सारा माल देखे आया है अभी, ताज़ा ताज़ा फिश, झींगे, अटरम बटरम, बहुत ज़्यादा सामान आया है। देखें फिश भी आई हुई है, झींगे भी आए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या, केकड़े और स्क्विड्स एंड आई डोंट नो क्या क्या आया है। तो अब यहाँ पे बात है कुछ समझने वाले कि हमने कैसे सस्ती मछली और झींगा खरीदना है। सबसे पहले शिप्स वाले अपना प्रॉफिट रख के होलसेलर्स को बेच देते हैं। अब ये जगह देखें सारी खाली पड़ी है, अब ये सब फुल हो जाएगा, उसके बाद देखें क्या होता है। पहले यहाँ पे क्या था, अब देख क्या है, बहुत ज्यादा चीजें चेंज होने वाली है, पूरी लाइन लगी है यहाँ पे, अभी सारी बोली लगने वाली मेरे ख्याल से। जो है ना ये कल्टी करेंगे पहले झींगे को ना, झींगे को कल्टी करेंगे, इसके बाद जो है ना जो मेन बड़े बड़े डीलर होंगे जो सेल वगैरह करते हैं ना, वो ले लेंगे 200 500 600 किलो जो लेना होगा ना उन्होंने, वो ले लेंगे। इसके बाद ये लोग इधर ही रख लेंगे, इसके बाद ये हमें सेल करेंगे, पहले ये अपना प्रॉफिट रख के हमें सेल। अब इनसे जो होगा ना, जो बिक गया नहीं बिका वही माल सुबह सेल होगा, ऐसे होता है कि सुबह सेल होता है। ये अभी आएगा झींगा और एक रात को 12 बजे के बाद झींगा आएगा। सारे झींगे की लाइन लगी हुई यहाँ पे, अभी सब अनलोड होने वाला है थोड़ी देर में। बहते हुए जाएंगे भाई, झिल्ली बहते हुए भी जाएंगे नालियों के अंदर, नालियों में जा रहे हैं, नालियों में भी जाते बहते हुए भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना झिल्ला। अभी ये मार्केट की एक तरफ पे झींगा सारा अनलोड हो गया और ये छोटे छोटे ढेर इन्होंने लगा दिए और इनकी अभी बोलियां भी लग चुकी है, नाम भी सब के ऊपर लिख दिया गया है। ये देखें 264 रुपीस पर केजी पे ये वाला ढेर सेल हुआ है, 213 रुपए केजी, 221 रुपए केजी। तो इस बोली में तो हमने हिस्सा नहीं लिया, हम थोड़ा मार्केट का सर्वे कर रहे थे। तो अभी जो नेक्स्ट गाड़ी उतरेगी उसमें हम लगाएंगे बोली और ख़रीदेंगे होल सेल रेट के ऊपर झींगा, और इसके बाद भी मैं आपको बड़े मज़े की इन्फॉर्मेशन देने लगा एक और। ये भी एक झींगा है ठीक है, उसकी आंखें देखें ठीक है, साइज कितना बड़ा, इसका साइज देखो आप कितना बड़ा है, ये मेरे हाथ फुल साइज हाथ है मेरा, कम से कम 10 इंच का तकरीबन 10 इंच का ही। अब देखें ये झींगा है, अब ये झींगा ये सारा एक साथ आता है ठीक है, अब ये देखें इसमें साइज देखें आप ठीक है, ये एक बड़ा झींगा है ठीक है। अब इसी के अंदर जो है ना साइज जो है ना छोटे झींगे भी होंगे, अगर अभी आप ऐसे ले लोगे डायरेक्ट तो आपको ये अलग उसमें पड़ेगा काउंट उसमें ना रेट पे। ये माल अभी निकलेगा और जो परचेजर होंगे वो परचेज करेंगे इस माल को, इसके बाद इसमें से एक एक माल को छांटी होगा, ये एक एक माल छांटी होगा। आप देख रहे हैं साइज, ये छोटा झींगा भी है इसके अंदर, इसमें बड़ा भी है, इसमें हर साइज के झींगे देखें, ये आप साइज देखें, इसमें हर साइज के झींगे का रेट भी अलग होगा, हर साइज के झींगे का मतलब हर जो चीज है ना सब अलग अलग होगी, सब चीजें देखिए आप ये देखें मुख्तलिफ साइजेस हैं। और यहाँ पे भी देखें जैसे हम मार्बल के काम में चाटी करते हैं ना, ये अभी झींगे के काम में भी चाटी होता है, और साउंडिंग सब जगह होती है। कितना झींगा खाना पसंद करेंगे आप? नाना भी पसंद करेंगे? नाना भी पसंद भी दस्तियाब है। ब्लू टांग है इसकी यार। कलर देखो कितना प्यारा है इसका, आप देख सकते हो कलर कितना प्यारा है, अब तो गंदा हो चुका है, लगा ले। हमारे तो एक्वेरियम में होती है ऐसी मछली। अरे देना हाथ का लमा लमा लो, सीधी कर। कलर्स देख कैसे मजे आएंगे। चलो आ जाओ अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर अभी मछली में क्या क्या आ चुका है। काला खुनो उसको कहते क्या? कटल। अजीब
हम तो अभी देख रहे हैं भाई, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो शिकार में वो यूज होता है। अच्छा, ये शिकार में यूज होता है, मछली के शिकार में। ओए होए होए, ये तो सही खतरनाक और सही लंबी है यार, ये कितनी बड़ी है। अंदर का पूरा हॉल पहले खाली था और अभी देखें कैसे सेटिंग्स से सारी मछलियां लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। इसका क्या नाम है? हाथ भी नहीं बुरा लग रहा इसको तो। 6 फुट से भी बड़ी है मछली। ऊपर से कैसे इसके पैक्स कैसे? ए मोहम्मद अली, ए चाचा यूनुस, ए मोहम्मद अली। यार क्या खूबसूरत है यार। रेड स्नाइपर। अरे भाई अभी मेरा हाथ जाता, मेरा हाथ बहुत गंदा हो रहा है यार, गिरता है। ओह माशाल्लाह यार, क्या अल्लाह की शान है। वैसे जस्ट अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। ओह हो, ये बताओ कि आपने प्रॉपर तरीके से कितना रखा हुआ इन लोगों ने, हर चीज अपने तरीके से रखा हुआ है। हर चीज देखो कितने लाइन से पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे कुछ बिखरा हुआ नहीं है, सब सीमेंट के रखा हुआ है। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है। शार्क, जैसे शार्क 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 है तो बहुत भारी है। नहीं है यार, इसकी स्किन कैसी अजीब सी है, इतनी चिकनी नहीं है, ऐसे ऐसे कितनी भुरभुरी है। शार्क की स्किन बिल्कुल ऐसे रफ सी है, एक होती है चिकनी स्किन, उस तरह की नहीं। हमने भी जिंदगी में पहली दफा शार्क को हाथ लगाया, लेकिन ये कि मरी हुई थी। ओए होए 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 होए, दिस इज ह्यूज। ये कौन सी मछली है? ये कौन सी मछली है? केसर, केसर, किटसर, किटसर। अरे बहुत ही बड़ी है, ये देखें आप। अभी ये बाहर हम लोग आ गए फिर से, और ये देखें बिल्कुल ताजी फ्रेश पॉपलेट आई हुई है, और ये तो फिलहाल बिक गई है। यहाँ पे इनकी ना छांटी कर रहे हैं फिलहाल, बड़ी मछली अलग कर रहे हैं, छोटी मछली अलग कर रहे हैं। सारे बंदे इधर खड़े हैं, सब अपना अपना रेट बता रहे हैं कैलकुलेटर पे। ये देखें, हाईएस्ट बेट विल टेक ऑल दिस 42। बयालीस का बोले तो मतलब क्या? 42, अब समझ नहीं है किस तरह के लोग फिर बिका। अभी वो पर्ची लगाएगा, मैं देखता हूँ कितना बिका। रुक जाओ, वो पर्ची लगाएगा ना, वहाँ पे चेक करते हैं किस तरह पर किलो ही होगी। 42 रुपए किलो क्यों? वजह ये है कि ये मछली इतनी वो नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात हम लोग इलाके में नहीं लेते, 100-150-200 रुपए किलो। जी जो भाई अभी झींगा गिरा रहे हैं, सबसे बड़े साइज का झींगा है और बिल्कुल वाइट है, और इसकी अभी हमने लगा दी है बोली। ये अब सारे कितना फिट, 12% और लेस हो गए, 12% इसमें अभी और पर केजी लेस होगा। बोली लगाई ना तूने? सही बोली लगाई, लगाई 700 की। 700 की बोली, 630 कैसे हुआ? उसने कहा 627 की मुझे बोली लगी। हाँ, तो 3 रुपए ऊपर करके उसने कहा कि मैंने आपको 630 में दे दिया। और 12% लेस होगा इसमें से अभी ना वजन में। चलो तोलो 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 भाई, काम होगा है, हो गई सौदा हो गया जी। झींगा लोड हो रहा है जी हमारा, अभी इसको तोलने लेके जाएंगे। झींगा ताजा, झींगा झींगा ले लो, झींगा ताजा, झींगा सस्ते में ले लो, झींगा ताजा, झींगा। अभी यहाँ पे वेट होने लगा,
असली और अच्छा खाने के लिए मेहनत तो फिर करनी पड़ती है भाई। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी वो यही थी, जब आप बोली में हिस्सा लेते हैं और जो भी चीज़ आपने खरीदी है उसका आप वेट कराते हैं तो टोटल वेट के ऊपर आपको 12% ये लोग डिडक्शन देते हैं। ये पूरी फिश मार्केट का रूल है। अभी हमने यहाँ पे झींगे पैक कराने हैं और अब हम आ चुके हैं आइस बार के अंदर। गिरती रहती है, सुबह जब 8-10 बजे तक ये डिप पूरा डिप बन जाता है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक ये मशीन है ऐसी कि यहाँ पे बर्फ खुद ब खुद बन के एक सुबह जब ये खोलेगी तो यहाँ पूरा ढेर बना हुआ होगा बर्फ का, इसके बाद ये पूरा आगे उसको कलेक्ट कर लेते हैं ले जाता है। और ये ब्लॉक सिस्टम है, ये ब्लॉक सिस्टम है, ये जो कंपनी ऑर्डर से जाते हैं ये मेरे दोस्त की कंपनी है। बड़ा बोर्ड है ना दोस्तान, वहाँ से भी आते हैं हम लोग, तो ब्लॉक लोड भी कराते हैं, हम लोग लोड भी कराइए। और ये बर्फ जो ना हम इस मशीन से चूल्हा करते हैं ना, मैं देखिए ये किस तरह से बन जाता है, देखिए 2 मिनट सबर में इसको चालू कर दो, यहाँ जा वो फिर थोड़ा कस के पड़ेगा। कितना कड़क हो गया मेरा हाथ, हाथ धोने हो फिशरी में तो आप इधर आए, इधर आज डंडो वाले कितना है यार नाले, मैं दिमाग थोड़ी देर पानी भी करना कर लो। न्याजी साहब JNTV, ओके ओके तो ये थी सारी फिशरी मार्केट की कहानी और ये रोज लगा रहता है, हर रोज शिप्स आती हैं, हर रोज बोली लगती है। उम्मीद है कि आपको हमारे साथ काफी इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।